नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको कभी रास्ता ना दिखाई दे तो ये कहानी ज़रूर सुनें। आपको मैं मोटिवेट करने वाली हूँ। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि आप जीवन भर में जो कर सकते हैं उतना वो एक पल में कर सकता है। आज के लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा था। कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल बनाया जा रहा था, पेड़ों को हटाया जा रहा था। उस युद्ध भूमि का मुआयना करने के लिए एक दिन पहले निरीक्षण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र धनुर्धन अर्जुन पहुँचे। वो मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे तैयारी किस तरीके से चल रही है। तभी एक चिड़िया उड़ती उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी दुनिया आपने उजाड़ दी। यह युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरे पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया। उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारी जान बचा ली जाए। भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का पहिया है, समय का पहिया घूमता चला जाता है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ। वो चिड़िया रुआसी होकर के बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाज़त दे दीजिए। भगवान ने कहा कि बोलू, क्या पूछना है, क्या इजाज़त चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। भगवान ने हबरी। अगले दिन युद्ध शुरुआत हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, अपने मित्र से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे, एक बाण दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्योंकि अर्जुन की भगवान को शस्त्र क्यों उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया, भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया है, एक तीर छोड़ा, लेकिन एक क्या वो तीर जा करके हाथी को लगा ही नहीं, नहीं उसके गले में घंटी लटकी थी उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए, एक मिनट में मैं उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हो गया, बस इतना काफ़ी था। अर्जुन ने भी ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा था, साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त अपने मित्र अर्जुन के साथ मैं उस भूमिका करने के लिए निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जा कर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिएगा। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है,
हम इतने महान बन चुके हैं और यह मुझे एक घंटी उठाने के लिए युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा जा करके उस घंटी को उठाया, साइट किया और जैसे ही उस घंटी को उठाया वैसे ही उसके नीचे से नन्हे नन्हे बच्चे चिड़िया के फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली। उन्होंने उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उस घंटी के नीचे था वो घोंसला, उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहाँ पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूँ ना। और भगवान ने हबरी थी। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थितियाँ आ जाए, एक काम कीजिएगा, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिएगा, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो एक पल में कर सकता है। हमेशा आपसे कहती हूँ कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपने फैमिली के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।